अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक बार फिर आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है अपने नए व्लॉग के साथ। तो इस वक्त जो है हम अपनी गली में मौजूद है और आज जो है हम जा रहे हैं केमाड़ी। तो ये आप मेरे साथ देख सकते हैं, ये यूसुफ राज है और ये जो है समीर भाई है। इनको जो है बहुत भूख लग रही है, तो इन्होंने जो है सुबह उठते के साथ ही जो है बर्गर खा रहे हैं ये। और इन्होंने जो है आज हमें बड़ा तरसाया, बहुत वेट करवाया, आधा एक घंटा हमारा धाया करा इन्होंने। एक घंटा इसने हमारा खराब करवाया, पूरा एक घंटा धाया करवाया ना इन्होंने। तो चले केमाड़ी चलते हैं और वहाँ चल के आपसे बात करते हैं। इस वक्त हम आ चुके हैं नेटी जेटी पे और आप ये देख सकते हैं हमारे पीछे कबूतरों का दाना वगैरह है यहाँ पे, और चील वगैरह के लिए जो है फेफड़े वगैरह है, और मछलियों के लिए जो है आटा वगैरह, आटे की गोलियाँ होती है वो चीज़ें हैं। और माशाल्लाह आज संडे का दिन है तो यहाँ पे जो है पब्लिक भी है माशाल्लाह से। तो चलें आपको जो है पहले विजिट कराते हैं यहाँ का, फिर जो है बात करते हैं आपसे। समीर भाई, ये केमाड़ी है या नेटी जेटी है? यार कोई नेटी जेटी बोलता है, कोई केमाड़ी बोलता है, पर हमें भी नहीं पता क्या है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये क्या है। जी तो कबूतरों को जो है हमने दाना वगैरह डाल दिया है, तो अब जो है हम फेफड़े लेंगे और चील वगैरह को जो है फेफड़े वगैरह डालेंगे। तो ये आप देख सकते हैं प्लेट है। अच्छा, ये जो है ना, आप अगर यहाँ आते हैं ना तो ये 20 की एक और 50 की तीन प्लेट मिलेगी आपको। चाहे आप जो है आटे की लो, बाजरे की लो, या फिर जो है आप फेफड़े की लो, ये 50 की तीन मिलेगी आपको। तो चलें अब फेफड़े लेते हैं। जो है ये बच्चा देख रहे हो आप पीछे कुत्ते का, ये जो है मेरे पैरों में आ रहा था तो मैंने सोचा कि चले यार जो चीलों के लिए फेफड़े लिए उनमें से एक आधा जो है इनको खिला के चेक करते हैं खाता है कि नहीं। तो भाग ही गया। आओ ये देखें, ये यासिर थोड़ा उस साइड पे। तो भाई ये समीर भाई जो है ये मछलियों को जो है दाना डाल लें, आटे की गोलियां डाल लें। तो चलें वहाँ चलते हैं समीर भाई के पास, हम भी उन्हें बोलते हैं कि यार हमें भी डालने दो थोड़ी गोलियां। तो चलें अभी जा रहे हैं। भाई ये समीर भाई जो है ये देख लो,
तीन प्लेटें लिए और हम तीन बंदे हैं, तो ये है कि तीनों बंदे जो है एक एक प्लेट डालेंगे। क्या शादी में आया, मैंने नाश्ता नहीं किया तो दिल चाह रहा है खा लूं पर खाऊंगा नहीं है, लेकिन पुराना हो गया। लेकिन आप समीर भाई को जो है यही खिला देते हैं। अच्छा समीर भाई जो है ना पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं माशाल्लाह, और माशाल्लाह भाई को मुबारक हो, भाई के जो है 1K हो चुके हैं, तो भाई समीर भाई मुबारक हो। खैर मुबारक, दावत नहीं मिलेगी, दावत नहीं मिलेगी भाई, 1K हो गए तो क्या हुआ, दावत नहीं है। एक बात पूछनी थी भाई आपसे। बोलो बोलो भाई, ये गोलियां जो है हम यहाँ से डाल तो रहे हैं यहाँ पे, ये आप देख लो, लेकिन यार ये मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे जो है मछलियाँ आती होगी क्या? यार आती होंगी, नहीं आती होंगी तो ये लोग पकड़ के लाते होंगे, क्या पता। मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे हम खड़े हुए हैं यहाँ पे जो है ना सीवरेज का पानी भी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कचरा वगैरह गंदगी वगैरह इतनी है। मछलियाँ जो है वो पानी में हर किस्म में रहती हैं। अच्छा, अब ये है कि आटा जो है वो बहता हुआ बीच में भी जाता है, तो उसमें भी हो सकता है कि अपना बीच में जाता हो जब वो खाती हो, वल्ला आलम हम डाल लें, क्योंकि अब हमें तो आइडिया है नहीं। बोल देना नहीं होती ये लोग लाते होंगे। हाँ आप भी बता दो भाई, ये यूसुफ भाई जो है कुछ कहना चाह रहे हैं। यूसुफ भाई रह गए, बताएं भाई आप क्या बोलना चाहते हैं। ये लोग लाते होंगे, बस यही बोल। कौन लाता होगा ये तो बताओ, ये लोग कौन कौन यहाँ के होते हैं? हाँ तो भाई ये आप देख सकते हैं ये ब्रिज है, लोग ऊपर खड़े हुए भी हैं। अच्छा ये जो है ना ये ब्रिज के ऊपर जो है ये पहले चादरें नहीं थी, ये जो है अब लगा दी गई है, ये देख रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कुछ अर्से पहले जो है हादसा वगैरह जो है बहुत, मतलब के खुदकुशी वगैरह जो है बहुत ज़्यादा होने लग गई थी, तो इस वजह से जो है हुकूमत ने जो है यहाँ पे ये बाउंड्रीज बना दी है लोहे की, और लोग ऊपर से जो है ये मुहर्रम के अंदर जो है ताज़िए वगैरह फेंकते हैं, तो ताज़िए यहाँ नीचे फेंकते हैं, तो वो जो है यहाँ नीचे सीवरेज का पानी है, कुरानी आयतें वगैरह फेंकते हैं तो यहाँ नीचे सीवरेज का पानी है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ किनारे पे आ जाती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ कचरा है, ये देखें, तो यार लिहाजा आप लोग जो है इन चीज़ों से जो है गुरेज करें। हाँ जी, तो ये आप देख सकते हैं कि ये हम ब्रिज पे खड़े हुए हैं, और ये ब्रिज के नीचे जो नज़र आ रहा है ये जो है हमारी हिंदू कम्युनिटी है, ये जो पाकिस्तान में ये उनका मंदिर है, ये इनका मंदिर है, और ये कौन सा मंदिर है बॉस? शेख जी का मंदिर है, और ये देवी माँ का मंदिर बता रहे हैं कि ये है, और ये इसके साथ आप देख सकते हैं ये पॉट ग्रैंड है, और ये पॉट ग्रैंड के उस तरफ आप देखें तो ये शिप वगैरह खड़ी हुई है। नहीं नहीं नहीं, तो ये हम जो है पुल के ऊपर खड़े हुए, ये ब्रिज पे हम खड़े हुए नेटी जेटी के ब्रिज पे, लेकिन यार मुझे डर लग रहा है ये ब्रिज जो है ना हिल रहा है, कोई भी यहाँ से भाई डरने वाली बात नहीं है, स्ट्रेचेबल ब्रिज है ये, आप यहाँ खड़े होते तो ये झूल मारता है, क्योंकि ये ताकि कमज़ोर ना पड़े, तो इसलिए से स्ट्रेचेबल बनाया गया है। समीर भाई डर लग रहा है क्योंकि यहाँ से हैवी हैवी ट्रक वगैरह निकल रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा डर भी लग रहा है। चले यहाँ से हम निकलते हैं और हाथ भी थोड़ा अंदर ले लें, कोई मोबाइल ऐसे ही नहीं लेता मैं निकल गया। हाँ जी, तो ये था आज का हमारा नेटी जेटी का एक छोटा सा ब्लॉग,
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है हमारा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल क्या बात है को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए भाई को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।